नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक डीटीएच की पावर सप्लाई है, एक डीटीएच रिपेयर होने के लिए आया था। तो हमने तो उसके अंदर नई सप्लाई डाल दी, लेकिन हमने जो है सप्लाई को निकाल दिया और सप्लाई जो है ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं होता। आप रिपेयरिंग के टाइम पर 100 से 150 रुपये या 200 रुपये ले सकते हो, और उसमें क्योंकि सर्विस चार्ज भी जुड़ जाता है तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही चेंज कर दिया, क्योंकि कस्टमर जो है अगर हम रिपेयर करके लगाते हैं तो कभी कभी सप्लाई में दोबारा भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए हम नहीं डाल देते हैं। लेकिन यहाँ सप्लाई मैंने निकाल ली है और इस सप्लाई को हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सप्लाई के अंदर अभी जो दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है यहाँ पर 1000 वोल्टेज पर रखेंगे और सबसे पहले यहाँ पर जो डीसी वोल्टेज बनती है, जो हमारी हाई पावर होती है, तो ये देखिए वो बन रही है। वो बनने के बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट को चेक करता हूँ मैं। तो 12 वोल्ट की जगह देखिए अब 200 पे कर देते हैं, तो 12 वोल्ट की जगह पे यहाँ पर 11.9 कुछ बन रही है। और यहाँ पर हम ग्राउंडिंग रख लेते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3.3 भी वोल्टेज सही बन रही है, और 5 वोल्टेज की जगह यहाँ पर 4.2 बन रही है, और 12 की जगह यहाँ 17 आ रही है, और 24 वोल्टेज जो है वो यहाँ पर बहुत ही कम पॉइंटों के अंदर ही आ रही है। तो सबसे पहले देखिए इस सप्लाई के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका जो कैपेसिटर है, ये देखिए फूला हुआ है। ये सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये लगा हुआ है 1010, तो 1010 तो हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 UF 35 वोल्ट का लगा देंगे, ये चल जाएगा। यानी कि वोल्टेज ज़्यादा हो वो चल जाती है, कम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी को ही चेंज करके देखेंगे कि सप्लाई जो है हमारी सही होती है नहीं होती, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी कंपोनेंट जो है वो ख़राब होता है, तो शॉर्टिंग होने के कारण जो है और सप्लाइयों को बनने नहीं देता है और सप्लाई जो है पूरी तरीके से काम नहीं करती। तो ये देखिए कैपेसिटर देखिए पूरी तरह फूल चुका था, ये देखिए पूरी तरह ये फूल चुका है कैपेसिटर। तो फूलने के कभी भी अगर आपको किसी भी सर्किट में इस तरीके से फूला हुआ कैपेसिटर दिखाई देता है तो उसे आप चेंज ही कर दें, क्योंकि उसके अंदर जो है शॉर्टिंग वगैरह का खतरा आ जाता है। तो ये देखिए कैपेसिटर हमने लगा दिया और अब हम इसको यहाँ सोल्डिंग कर देते हैं और फिर दोबारा से चेक करते हैं हम सप्लाई को कि जो हमारी सप्लाई है वो प्रॉपर बनी या नहीं बनी। तो ये कैपेसिटर को हमने लगा दिया। तो दोस्तों, इस सप्लाई को हम जो है रिपेयर ही करेंगे, और वीडियो चाहे कितना लंबा हो जाए उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वीडियो में बने रहें और सप्लाई जो है हमारी रिपेयर हो जाएगी। अगर ये भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हम दूसरा देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट की जगह पे अभी भी यहाँ पर 10 ही वोल्टेज है, और जो हमारी 5 वोल्ट की जो सप्लाई थी वो तो थोड़ा सही हो गई है। देखिए यहाँ पर देखिए 4. यानी कि 5 वोल्टेज पूरी बन गई है सही, और यहाँ पर हमारी ये वोल्टेज भी आ गई। तो अभी यहाँ पर 24 वोल्टेज प्रॉपर नहीं आई है हमारी, और 12 वोल्टेज जो है हमारी वो भी देखिए 17 बन चुकी है। तो अभी जो है हमारी यहाँ वाली जो 12 वोल्ट है वो नहीं बनी है, और जो इसके अंदर 24 वोल्ट जो आती है, तो इसके अंदर देखिए जहाँ 24 वोल्ट है वहाँ पर 17 दिखा रहा है, और जहाँ 12 वोल्ट है वो नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डायोड लगे हुए रहते हैं 12 वोल्ट के, तो ये देखिए 12 वोल्ट और यहाँ पर 24 वोल्ट। तो सप्लाई को मैं उल्टा कर लेता हूँ, और यहाँ पर अब हम इसको जो है मीटर को यहाँ पर हम ग्राउंडिंग पर रखेंगे। ये ग्राउंडिंग पे आ गया, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो है इसकी 12 वोल्ट और यहाँ पर 24 वोल्ट, तो 24 वोल्ट की जगह पे यहाँ पर जो है 18. कुछ आ रहे हैं, और यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, और 12 वोल्ट की जगह पे यहाँ पर पॉइंट में ही आ रही है वोल्टेज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट को ट्रैक करते हुए जाएंगे, यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, सबसे पहले हम इस डायोड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक डायोड लगा हुआ है, इसको हम चेंज करते हैं और चेंज करके हम देखते हैं। तो जब कभी भी आप सप्लाई को रिपेयर कर रहे हैं तो एक उसको डिस्चार्ज करना ना भूलें, और एक जो है आप सप्लाई को जब भी कभी भी अगर आप चेक करते हैं या उसे रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले जो है आप सीरीज के अंदर ही उसे चेक करें। तो ये देखिए ये वाला जो डायोड है, हम सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी वोल्टेज है वो प्रॉपर नहीं बन रही है। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों हम कंपोनेंटों को देखते हुए और सप्लाई को जो है रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये जो डायोड है हमारा जो है, ये देखिए यहाँ पर पिन नंबर जो 3 है, यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट है
और 12 वोल्ट के पास ही ये जो सप्लाई है हमारी होके आ रही है। तो यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है हमारा, ये रहा हमारा लगा हुआ है यहाँ पर एफ आर 107 लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ आर 207 लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है एफ आर 107 नहीं है डायोड। तो एफ आर 207 एक डायोड निकाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास 207 डायोड आ गया है, और इसको लगा देते हैं हम यहाँ पर। तो इस डायोड को मैं वैसे ही लगा देता हूँ जैसा था ये, जिसे मतलब कि जो यहाँ पर सिल्वर कलर की लाइन है वो वैसे ही रखनी है जैसी आपने निकाली है। और अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपका जो है पीसीबी के अंदर, उसके अंदर डिजाइन बना हुआ रहता है, आप उसको उसी तरीके से जो है उसको लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने डायोड को भी चेंज कर दिया, और अब हम दोबारा इसको चेक करेंगे। तो देखिए, दो कंपोनेंट तो हमने चेंज कर दिया, हमने यहाँ कैपेसिटर को भी चेंज कर दिया जो फूला हुआ था, और एक डायोड को भी हमने चेंज कर दिया है। अब सप्लाई को जो है हम दोबारा चलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी पहले 12 वोल्ट थी वो हमारी 11.6 के आसपास पहुँच चुकी है, और जो हमारी 3.3 थी वो भी सही हो चुकी है, 5 वोल्ट भी हमारी सही है। यहाँ पर जो हमारी 24 वोल्ट थी वो देखिए 20 वोल्ट तक आ चुकी है, और जो 12 वोल्ट थी हमारी वो भी देखिए 14 वोल्ट बन चुकी है। तो आपने देखा कि जो हमारी सारी सप्लाई है वो एकदम ओके हो गई, सिर्फ हमने एक डायोड और एक कैपेसिटर को चेंज करा और हमारी सप्लाई जो है ओके हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, इस सप्लाई से अब हम अपने जो कार्ड होता है उसको भी ऑन करके देख लेते हैं, क्योंकि कभी आपको ये लगे कि सप्लाई जो है प्रॉपर वोल्टेज ना देने के कारण जो है मैंने खाली रिपेयर कराया और चालू करके कोई सेटअप बॉक्स नहीं दिखाया। तो हम यहाँ पर एक कार्ड को ले लेते हैं और इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं इस कार्ड को ले लेता हूँ, और एक हमने देखिए पैनल ले लिया है। तो इस सप्लाई को जो है अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो सप्लाई है प्रॉपर सही हुई या नहीं हुई। तो देखिए, इस तरीके से हो गया। तो दोस्तों, आप भी जो है इसी तरीके से जो है कंपोनेंटों को जो है रिपेयर करने के समय अगर उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आप जो है सीरियल बारी से जाएं एक एक कंपोनेंट को चेक करते हुए कि पहले ये प्रॉब्लम है, पहले इसको करना चाहिए, फिर इसको, इस तरीके से आप जो है रिपेयरिंग का काम सीख जाएंगे। दोस्तों, जो भाई इस लाइन में नए हैं वो सबसे पहले किस चीज़ का कोर्स करें कि सबसे पहले हर यूट्यूब वीडियो में ये देखें कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है और इसके अंदर इसका क्या यूज है। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आप जो है जो इसके अंदर फॉल्ट आते हैं वो बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको सप्लाई दी सप्लाई को, और अब देखिए हम चेक करते हैं। तो देखिए, हमारा जो कार्ड है वो ऑन हो गया, और देखिए हमारा प्रॉपर चलने लग गया। अब तो अब देखिए चैनल भी हमारे प्रॉपर चल रहे हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप किसी भी पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा।